अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ही उत्तर प्रदेश में इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक राजभवन में योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए लोगों को योग मुद्राओं की प्रैक्टिस कराई। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में आतंकी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, वहीं इस दौरान 1 जवान शहीद हो गया। एनकाउंटर में 3 जवानों को भी चोट लगी है। इसी दौरान एक नागरिक की भी मौत हो गई। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के हटने के मसले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ओर से प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौता छोड़ने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला दुनिया के लिए और भारत के लिए भी चौंकाने वाला है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि अमेरिका अपने फैसले पर फिर से विचार करेगा। बीफ को लेकर देश में जारी बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बड़ा बयान दिया है। नायडू ने कहा है कि खाना लोगों की पसंद का विषय है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद मांसाहारी है। उन्होंने इस बात से भी साफ इनकार किया कि बीजेपी सभी को शाकाहारी बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया। राज्य के मंदसौर जिले में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर फायरिंग की गई, जिसमें 6 किसानों की गोली लगने से मौत हो गई। किसानों की मौत के बाद भड़की हिंसा को देखते हुए मंदसौर शहर और पीपलिया मंडी इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। इलाहाबाद और वाराणसी के करीब स्थित मुगल सराय जंक्शन का नाम जल्द ही बदल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक बैठक में इस संबंध में फैसला लिया है। एक खबर के मुताबिक सरकार ने मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीते कई दिनों से गर्मी से जूझ रही राजधानी दिल्ली को आज राहत की सांस मिल गई है। दिल्ली NCR में बारिश की फुहार पड़ने से मौसम भी सुहाना हुआ है। सुबह सुबह बारिश के हल्की बूंदों के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। 13 साल से कम और 75 साल से अधिक आयु के लोगों की को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें इस साल तीर्थ यात्रा 26 जून से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगी। दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में बिजली की डिमांड 6500 मेगावाट के पार पहुंच गई है। वहीं दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड यानी DTL का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये मांग और भी बढ़ सकती है। रूस ने अपनी सीमा के नज़दीक अमेरिका के बम वर्षक विमान के उड़ने का दावा किया है। बताया जाता है कि इस विमान का पता चलने के बाद रूस ने भी अपने लड़ाकू विमान को उसका पीछा करने के लिए भेजा, जिसके बाद अमेरिकी विमान उसकी सीमा से दूर चला गया। पेरिस जलवायु समझौते का विरोध, चीन में US के कार्यवाहक राजदूत का इस्तीफा। बता दें डेविड रैंग को जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति का पदाभार संभालने के बाद चीन में अमेरिकी दूतावास में उप राजदूत नियुक्त किया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जेट एयरवेज के 10 पायलटों पर गाज गिर गई है। DGCA ने उन्हें फ्लाइट संचालन की ड्यूटी से निलंबित करने का आदेश दिया है। इस मामले में कुछ एयरलाइंस के 24 पायलटों पर भी कार्रवाई हो सकती है। यूपी में योगी की पुलिस को चुनौती देती है एक और वारदात सामने आई है। यूपी के सीतापुर में कोतवाली से 400 मीटर दूर एक ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया है। हत्याकांड की खबर फैलने के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। ये घटना यूपी सरकार की कानून व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया के लिए नया कोच चुना जाना है। अनिल कुंबले का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, पर अभी तक वीरेंद्र सहवाग इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। सहवाग ने BCCI को जो आवेदन भेजा है वो सिर्फ 2 लाइन का है। ऐसे में बोर्ड ने सहवाग से डिटेल CV की मांग की है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर पत्रकार संजय वीरू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म से मैं अभिनय करते नजर आएंगे। अनुपम खेर मनमोहन सिंह का किरदार निभाएंगे। ये फिल्म 2018 में रिलीज होगी। बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए A1 न्यूज के साथ। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार।
इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत